हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रुक जाना नहीं योजना के बारे में। ये योजना क्या है, इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन इसका फायदा उठा सकता है, ठीक है, इसमें फीस कितनी लगेगी, सारा कुछ इसका जो भी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाई रुक जाना नहीं योजना क्या है और ये किसके लिए शुरू की गई थी। तो दोस्तों, रुक जाना नहीं योजना जो है वो ऐसे छात्र छात्राओं के लिए शुरू की गई थी जो 10वीं और 12वीं में फेल हो जाते हैं और फेल होने के बाद में हताश हो जाते हैं और कोई भी गलत कदम उठा लेते हैं। आपने सुना होगा कि भाई कोई 10वीं में फेल हो गया तो उसने सुसाइड कर लिया, कोई 12वीं में फेल हो गया उसने सुसाइड कर लिया। कई लोग अपने आप को गिल्ट फील करने लगते हैं कि भाई मैं कुछ काम का नहीं हूं, मैंने तो 10वीं फेल हो गया, मैं 12वीं फेल हो गया। तो ऐसे लोगों के लिए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 2016 में एक योजना शुरू की थी जिसका नाम है रुक जाना नहीं। इसमें होता क्या है कि आप जैसे कि आप मान लीजिए 10वीं में फेल हो गए या 12वीं में फेल हो गए तो आप अपनी परीक्षा दोबारा दे सकते हैं और दोबारा पास हो सकते हैं और आगे अपना जो भविष्य है वो निर्धारित कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि भाई 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरे लाइफ के लिए मैटर नहीं करती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में पढ़ाई नहीं की और वो आज मिलियनर बिलियनर बनकर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो शिवराज सिंह चौहान जी ने ये योजना उन्हीं लोगों के लिए चलाई है भाई जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन 10वीं 12वीं की वजह से वो हताश हो गए हैं, ठीक है। तो हताश नहीं होना है आपको। क्या करना है, अगर आप फेल हो गए हैं तो अब आप क्या कर सकते हैं, रुक जाना नहीं योजना का लाभ ले सकते हैं, इसकी मदद से आप पास हो सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर लिखा हुआ है अब साल बर्बाद नहीं होगा, आपका साल बर्बाद नहीं होगा, इसी साल आप दोबारा से पास हो सकते हैं परीक्षा देकर, ठीक है। फेल विद्यार्थी निराश ना हो, उनके लिए जून 2023 से पुनः परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। जून 2023 में ही आपकी दोबारा से परीक्षाएं होंगी, इस परीक्षा में आप पास हो जाएंगे और फिर आप आगे की पढ़ाइयां कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसमें फीस कितनी लगेगी, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं ये भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए फीस का मैंने एक अलग चार्ट बनाया हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और इसकी डेट क्या है, तो इसकी जो लास्ट डेट है, ठीक है, लास्ट डेट, फॉर्म तो भरना इसके स्टार्ट हो गए हैं, इसकी जो लास्ट डेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट डेट क्या है, इसको पेज बदल लेते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको ठीक से दिखेगा नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ से पेज बदल देता हूँ और यहाँ पर नेक्स्ट पेज में देखिए यहाँ पर आपको फीस भी दिख रही है और मैं यहाँ पर आपको लास्ट डेट भी दिखा देता हूँ कि लास्ट डेट क्या है। तो लास्ट डेट है LAT, लास्ट डेट, इसकी जो लास्ट डेट है वो है 4 जून, ठीक है, 4 जून 2023, ठीक है, 2023, 4/6/2023 इसकी लास्ट डेट है। इस डेट से पहले आप जो है परीक्षा में इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फीस कितनी लगेगी ये भी यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है और यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है कि परीक्षा दो बार आयोजित होती है। अगर मान लीजिए आप इस बार भी अगर आप फेल हो गए हैं, मान लीजिए 4 जून वाली ये जो अब जून में जो परीक्षा होगी इसमें भी यदि आप फेल हो जाते हैं तो आप एक बार फिर से परीक्षा दे सकते हैं दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर में फिर से आयोजित होती है परीक्षा। और एक बात और, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है कि भाई पढ़ाई हम कहाँ पर करेंगे, ठीक है, पढ़ाई कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो आप जिस विषय में फेल हुए हैं उसी विषय की तैयारी आपको दोबारा करनी है, बुक भी चेंज नहीं करना है, उसी बुक में से आपका सब कुछ आएगा, ठीक है, सारा कुछ वही रहेगा, बस आपकी परीक्षा का आपको मौका दोबारा से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं फीस कितनी लगेगी, कैसा क्या रहेगा। तो देखिए यहां पर आपको दिया गया है 10वीं के लिए, यदि आप 10वीं में फेल हुए हैं तो देखिए आपका एक सब्जेक्ट का, ठीक है, एक सब्जेक्ट में यदि आप फेल हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हुए ना तो वैसे तो आपकी सप्लीमेंट्री आएगी, तो एक फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्री का भर देना और दूसरा अगर मान लो दो विषय में हुआ है ना तो दूसरे विषय के लिए आप क्या करेंगे, रुक जाना नहीं के लिए भर देंगे, ठीक है। तो जो एक सब्जेक्ट है उसकी आपकी फीस लगेगी 605 रुपये, ठीक है, एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक। इसके बाद में यदि आपके पास में BPL कार्ड है, मतलब आपका जो परमिट है नीला वाला, वो परमिट यदि है आपके पास में, तो आपको 415 रुपये फीस देनी होगी, मतलब 600 रुपये नहीं देना होगा, कितने देने होंगे, 415 रुपये आपको देने होंगे, ठीक है। यदि दो सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं तो आपको 1210 रुपये देने होंगे, अगर BPL कार्ड होगा तो आपको 835 रुपये फीस लगेगी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर तीन सब्जेक्ट के लिए दिया गया है, यदि मान लीजिए 1500 रुपये, वैसे तो 1500 रुपये लगेगी तीन सब्जेक्ट के लिए, और BPL कार्ड होगा तो आपको लगेगी 1010 रुपये, ठीक है। इसी प्रकार से चार सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर लगेगी 1760 रुपये और अगर BPL कार्ड है तो 1160 रुपये लगेगी, ठीक है। और बाकी पाँच और छः सब्जेक्ट में बहुत कम लोग फेल होते हैं तो उसकी हम बात नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद में आ जाइए 12वीं में,
तो 12वीं के स्टूडेंट जो फेल हुए हैं अगर एक विषय का वो एग्जाम देंगे तो एक विषय के लिए लगेगा ₹730 और यदि BPL कार्ड है तो ₹500 ही लगेंगे, ठीक है। यदि वो 12वीं के दो विषय में फेल हुए हैं तो यहाँ पर दो विषय के लिए ₹1460 लगेंगे और यदि उनके पास में BPL कार्ड है तो वो ₹960 देंगे, ठीक है। इसके बाद में तीन विषय में यदि फेल हुए हैं तो उसके लिए ₹1710 लगेंगे, अगर यदि आपके पास में BPL कार्ड है तो आपके यहाँ पर ₹1110 लगेंगे, ठीक है। यदि चार विषय में हुए हैं तो ₹1960 लगेंगे और BPL कार्ड है तो फिर वो चार विषय के लिए ₹1260 देना होगा, ठीक है। और बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता रहे कितनी फीस लगना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, तो कमेंट में भी हम आपका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।